हमीरपुर जिला के बगवाड़ा पंचायत ने विकास की गाथा लिख दी है और पिछले 5 सालों में पंचायत ने अथक विकास करवाकर हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया है। साथ ही मनरेगा के बजट से पूरी पंचायत में विकास कार्य करवाने के लिए काम किया गया है और पंचायत के 5 वार्डों में रास्तों को दुरुस्त करवाया गया तो पेवर टाइल लगवाकर काम किया गया है। वहीं बगवाड़ा पंचायत में किसानों के लिए भी जागरूकता कैंप लगाकर आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए काम किया गया है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और किसानों को नई नई स्कीमों का भी लाभ मिला है। ग्राम पंचायत में पंचायत प्रधान ने अपने पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से पूरी पंचायत में विकास कार्य करने के लिए मुहिम के तहत 5 सालों में काम किए हैं, जिसके चलते ही आज पंचायत एक दूसरी पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। बगवाड़ा पंचायत के प्रधान संजीव कुमार एडवोकेट ने बताया कि पंचायत में विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और पंचायत में सभी वार्डों में समान विकास करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत में सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया गया है और किसानों की समस्याओं को भी दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया गया है, जिसके चलते आज पंचायत में लोगों को हर सुविधा मिली है। पंचायत में 14वें वित्त आयोग का 90% बजट को खर्च किया जा चुका है और 80 वाटर टैंकों का निर्माण पंचायत में हुआ है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी पंचायत को कैटेगराइज किया कि आखिर यहाँ वास्तविक समस्या है क्या। हमारे पास बहुत बड़ा मद होता है एक मनरेगा, उसके अतिरिक्त हमारे पास 14वां वित्त आयोग जो केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष इस टेन्योर में काफ़ी पैसा जो केंद्र सरकार की तरफ से मिला, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुपालना के चलते ही इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। फिर हमने प्रायोरिटीज दी, पहले जो हमारे रास्ते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं रही थी उनको सबसे पहले इस कड़ी में जोड़ा गया। 5 वार्डों में जो हैं हमने काफ़ी हद तक जो मुख्य रास्ते थे उनको प्रॉपरली उनको ठीक किया, उनमें पेवर्स वगैरह लगवाए। उसके बाद दूसरा हमारा था कि जो यहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल वाटर जो बॉडीज़ हैं उनका थोड़ा सा उनका बचाव करना, वो किस तरीके से जो हमारा वाटर लेवल है वो आ पाए, क्योंकि कुणा खड़का ओरिजिन जो है इसी बगवाड़ा पंचायत से होता है। अब उसको लेकर के हमने जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स के ऊपर जोर दिया, जो खातरियाँ यहाँ पे जो हमारे प्राचीन समय से जिनका यूज़ नहीं हो रहा था उनको हमने एक मुहिम चलाई कि उनका हम जीर्णोद्धार करें, उनको स्वच्छ करें और नई खातरियों के निर्माण हमने करवाए। और जो कुएँ थे, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो सिर्फ नल के वाटर पानी से पर ही निर्भर हो चुके थे, लेकिन हमने एक व्यवस्था की है जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स है पानी का, उसको कैसे मेंटेन किया जाए उसकी तरफ ताकि लोग जाएं। इसके अतिरिक्त हमने जो लोग किसान हमारे खेती से पीछे हट रहे हैं उसके लिए सर हमने यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में मुझे लगता है कि हमने कम से कम 20 कैंप्स यहाँ पे लगवाए होंगे अपनी पंचायत में, जिसमें लोग किस तरीके से खेती करें, किस तरीके से उनको क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उस सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट्स कराने के लिए हमने लोगों के बीच में जानकारी दी और काफ़ी हद तक हम वो जो स्कीम्स हैं उसको लागू करवाने में कामयाब हुए। टू द सेटिस्फेक्शन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है। इसके अतिरिक्त सर यहाँ कुणा खड्ड का जो चैनलाइजेशन था वो एक हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था मनरेगा के तहत, 14वें वित्त आयोग में कन्वर्जेंस में हमने इस कार्य को लिया था, तो इसमें करीबन हमने कोई 10 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट हमने इसमें सोची, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर खड्ड आती थी और बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते थे, डिपो में जो हमारी सप्लाई थी वो नहीं आ पाती थी, पंचायत घर में भी गाड़ी अंदर जो है वो नहीं आ पाती थी, तो इसको हमने एक प्रायोरिटी के ऊपर लिया कि ताकि हर वर्ष पीडब्ल्यूडी वालों के पास जा करके, क्योंकि ये रोड पीडब्ल्यूडी के पास नहीं है लेकिन उनके हम हाथ जोड़ जोड़ करके इस रोड को चलने लायक बनाते थे, फिर हमने ये सोचा कि हम इस काम को स्थायी तौर पर करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पर किया। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी मुख्य समस्या थी कि कोई भी सार्वजनिक सभा करने के लिए हमारे पास एक कोई बड़ा एप्रोप्रिएट जगह नहीं थी जो कि मतलब जहाँ हम इस तरीके का कोई कार्यक्रम कर सकें, तो हम सब ने पंचायत के सभी सदस्यों ने हमने मिलजुल करके एक प्लान बनाया कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पर कोई बड़ी जनसभा करनी है या कोई सामाजिक समारोह करना है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेस हो, तो वो भी आप सबके सामने यहाँ पर है। 14वें वित्त आयोग से हमने इसका निर्माण करवाया है। इसके अतिरिक्त 3 शमशान घाटों का अभिवर्धन किया गया है,
जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जहाँ तक बात थी, 104 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम थी, उज्ज्वला योजना थी, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने 100 से अधिक परिवारों को जो है मुफ्त गैस सिलेंडर जो है वो उनको वितरित किए हैं। लोक मित्र केंद्र बघवाड़ा पंचायत वासियों के लिए सेवाएं दी, वो हमने यहाँ पे खुलवाया है। इसके अतिरिक्त बैंक की यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि बहुत सारे एक्सर्विसमैन और रिटायर्ड लोग यहाँ पे थे, तो उन लोगों को कई बार मुश्किल होती थी आवा देवी जाकर के बैंक में, क्योंकि बैंक का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है आवा देवी का, तो वहाँ पे भीड़ बड़ी लगी रहती थी। लेकिन हर जगह बैंक की शाखा खोलना जो था वो पॉसिबल नहीं था, तो हमने यहाँ पे सीएससी सेंटर खोला। उसके लिए मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी, मैंने ये समस्या उनके सामने रखी थी, तो इसी वर्ष जो है वो यहाँ पे सीएससी और लोक मित्र यहाँ पे बगवाड़ा में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उससे हमने लोगों को जोड़ा है। अटल पेंशन से हमने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया। उसके लिए हमने बैंक्स के कैंप्स भी यहाँ पे अपनी पंचायत में लगवाए हैं। इसके अतिरिक्त अवादे में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया। उटाम्बर में हमने एक सामुदायिक भवन का हमने निर्माण किया। उटाम्बर गाँव को सड़क से जोड़ा गया। उसके बाद वार्ड नंबर 4 समलेड़ा गांव को सड़क से जोड़ा गया। उसके बाद वार्ड नंबर 3-2-2 जो एक बहुत बड़ा वार्ड था, उसको अवादेवी से लेकर के नीचे तक जो है वो सड़क से जोड़ा गया। जगह जगह हमने बेंचेस वगैरह लगवाए। मतलब निरंतर मैं कहूँगा कि निरंतर इस पंचायत ने लगातार प्रयास किया है। तो आपने लोगों के विचार सुने, तो शायद आपको पता चला होगा इस बारे में। क्योंकि जी सर, लाइट के बारे में मैं बात करूं तो मैं इससे पूर्व मैं बीडीसी सदस्य रहा, तो उस समय हमने 100 सौर ऊर्जा लाइटें जो थी वो हमने यहाँ के लिए स्वीकृत कराई थी। 10% अनुदान जो था वो बेनिफिशियरी का था और 90% गवर्नमेंट सब्सिडी भी थी। तो 100 लाइटें उस वक्त लगी थी, और इस बार जब हम इस बार पंचायत में आए तो करीबन 49 लाइट्स जो हैं, 49 लाइटें इस बार हमने अपने क्षेत्र में लगवाई हैं। और मैं एक इसमें छोटी सी बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कोई भी लाइट हमारे पंचायत प्रतिनिधि या मेरे घर के आसपास बिल्कुल नहीं है। हमने एक मानदंड तय किया कि ये सेवा का क्षेत्र है, तो हमने सेवा के लिए आगे आना है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमें ये बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का साथ मिला। हमारे प्रधान, उप प्रधान, असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर हुए हैं सीबीआई से, हमारे वार्ड पंच जो है इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं आईबी से, हमारे एक और वार्ड पंच एक्स सर्विस मैन हैं, और महिलाएं हमारे जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक। हम सब लोगों ने मिलजुल करके पूरी पंचायत ने मतलब मिलजुल करके काम किया। मैं इसका श्रेय अकेला नहीं लेना चाहता। ये सब अगर हुआ है तो एक टीम वर्क था, और उस टीम वर्क की वजह से हम सब ये करने में कामयाब हुए। और आप मेरी सेटिस्फेक्शन की बात करें तो सेटिस्फेक्शन तो मुझे नहीं है, बट हमने पूरी कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी मानदंडों के अनुसार कार्य करने में कई तरह की दिक्कतें भी पेश आती हैं। हाँ, एक समस्या जो लोगों के ध्यान में, मेरे ध्यान में बार बार लोगों ने डाली है, वो सड़क को लेकर के है, बगवाड़ा से लेकर के आवादेवी तक। इस सड़क का जो विषय है वो हमने मैटर जो है हमने पीडब्ल्यूडी विभाग उनसे हमने उठाया है, तो हमें वहाँ से ये बताया गया है कि इसका टेंडर हो चुका है, इसका टेंडर हो चुका है, और क्योंकि सर्दियों में कार्य नहीं होगा, मार्च अप्रैल में कार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पटवार घर का निर्माण 11 लाख रुपया, सन 2016 में ये पंचायत बनी थी जनवरी में। लगातार एक वर्ष हम जिला मैं उच्च अधिकारियों से मिलते रहे, उसके बाद ये 11 लाख रुपये सेंक्शन होकर के आज वो भवन बन करके तैयार है, और बहुत ही जल्द उसका लोकार्पण जो है 5-7-10 दिनों के अंदर भीतर भीतर हो जाएगा। ये हमने व्यवस्था यहाँ पे की है की तरफ से हमें 14 लाख रुपया जो था वो पहली किस्त के तौर के ऊपर आया था। हर वर्ष हमें 14-14-14 लाख रुपया जो है 14 वित्त, और मुझे ये बोलते हुए भी प्रसन्नता है कि 90% से ज़्यादा बजट हमने खर्च किया है। 14 वित्त का 90% से ज़्यादा हमने खर्च किया है। लगभग 80 टैंकों का निर्माण हुआ है, जो वाटर रेन हार्वेस्टिंग टैंक है, लगभग 80 टैंकों का निर्माण हुआ है। 100 के करीब भूमि सुधार हमने किए हैं। 10 से 10 8 8 लोगों के जो है प्लांटेशंस करवाई हुई हैं। हमने 50 49 के करीब, मैंने आपको पहले भी बताया, हमने खातरियों का निर्माण यहाँ पे अपनी पंचायत में करवाया।
वहीं उप प्रधान ने बताया कि लोक सेवा करने के उद्देश्य से पंचायत चुनाव में उतरे थे और लोगों की सेवा को करने के लिए काम किया गया है। इसके साथ ही सभी लोगों के लिए एक समान काम करवाए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत में ईमानदारी और सत्यता से कामों को करवाया है, जिससे पूरी पंचायत का विकास हुआ है। देखिए साहब, हम बेसिकली मैं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरा कोई इंटरेस्ट पंचायत में आने का नहीं था, लोक सेवा है ये। और जब पंचायत बनी तो हमने बैठ के यही तय किया कि प्रायोरिटीज़ के क्या काम हैं। प्रायोरिटीज़ के काम जो थे उन कामों को चूज़ किया, और सोसाइटी के अंदर जो आज तक इग्नोर थे, डाउन ट्रोडन थे, ये जिन आदमियों को हम मिस कर गए थे कहीं, उन लोगों की ज़रूरत थी, हम उन प्रायोरिटी से नीचे नीचे की प्रायोरिटी को लेके चले हैं पंचायत के अंदर, और आज तक जहाँ तक पहुँचे हैं आप लोगों ने खुद देखा है। बाकी ये रास्ते निर्माण, ये तो रेगुलर प्रोग्रेस है, होगी। हमने हमेशा गरीब को ध्यान में रख के काम किया है, बड़े आदमियों को बड़े सोच के हमने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं, जो प्रायोरिटी के काम थे उन प्रायोरिटी के काम पर। हाँ, उसमें समाज में कई लोग अच्छा बोलेंगे, कई बुरा बोलेंगे, ये तो बोलेंगे ही, लेकिन आप लोगों ने अपने आप विजुलाइज किया और ईमानदारी और सत्यता से काम किया है। सवाल ही नहीं है कोई आदमी ऐसे ब्लॉट, हम खुद कहते हैं और RTI लाओ, हमने कोई गलत काम किया जल्दी RTI लो और करो, तो ऐसा बड़े ऑनेस्टली हमने काम किया। वहीं बगवाड़ा के बुजुर्ग ने बताया कि बगवाड़ा पंचायत के अंदर बहुत अच्छे काम प्रधान रिंटू द्वारा करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बगवाड़ा में लड़ाई झगड़े व नशाखोरी का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि बगवाड़ा से अवादेवी के लिए जाने वाली सड़क की बहुत बुरी हालत है, जिसको लेकर कई बार विभाग को चेताया गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी पंचायत में बहुत अच्छे काम हुए हैं और जो प्रधान है उसकी सहनशीलता बहुत अच्छी पाई गई है। सब रोड का काम, रास्तों का काम, पंपों का काम, कुओं का साफ सफाई, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। और नशाखोरी भी बहुत कम हो गया है, प्रोग्रेस में है बगवाड़ा पंचायत। तय कोई नहीं सुनता, ना विभाग सुनता है, ना कोई संसद सुनता है, ना कोई MLA सुनता है। इसका ज्ञापन कई बार दिया तो बोलते हैं आपको ज़्यादा पता है। हम लोगों को बूढ़े आदमी कैसे जाएंगे गाड़ी में, झटके लगते हैं कमर। कौन सा रोड? बुगवाड़ा रोड, बुगवाड़ा मोड़ से लेकर डेरा पर तक बुरी हालत है, इससे तो खड्ड अच्छी है, सरकार सुनती ही नहीं है। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और वोट देते हैं हम लोग, तो उसके बाद हमें पहचानते नहीं हैं, बोलते हैं कभी देखा था, कोई नहीं पहचानता, ना MP पहचानता है, ना उससे अच्छा तो इसे पार्लियामेंट के मेंबरों से अच्छा और विधानसभा के मेंबरों के अच्छे हमारा प्रधान रिंटू ठीक है, जो हमारी बात तो सुनता है, हमारे बीमार होते हैं तो भी पूछता है, कोई तकलीफ है तो भी पूछता है, और सबसे अच्छा गुड फेथ में पाया गया है डिस्ट्रिक्ट में। मैं भी काफ़ी घूमता रहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। और एडवोकेट है रिंटू, इसके लिए तो ये तो बधाई के पात्र हैं, इसने बहुत अच्छा काम करवाया है। बगवाड़ा पंचायत के लोकमित्र केंद्र व SBI ग्राहक सेवा केंद्र की रोजी चौहान ने बताया कि पंचायत प्रधान के सहयोग से बगवाड़ा में लोकमित्र केंद्र में SBI ग्राहक सेवा केंद्र खोला गया है, जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। विभिन्न स्कीमों से क्या लाभ है उसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही मनी ट्रांसफर व पैसे निकालना और विभिन्न खाते खोले जाते हैं। रोजी चौहान ने कहा कि बगवाड़ा पंचायत में प्रधान द्वारा अच्छे काम करवाए गए हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ही सुविधाएं मिल रही है, विड्रॉलिंग, मनी ट्रांसफर, अकाउंट ओपनिंग, जैसे जनधन का अकाउंट, और जैसे हम लोगों को बता रहे हैं कि अटल पेंशन योजना के बारे में, जनधन योजना के बारे में, इनको इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब बता रहे हैं हम इन लोगों को। और जो गरीब लोग हैं, जनता है, उनको सब हम ये चीज़ें अच्छे से बता रहे हैं कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, आने वाले टाइम में आपको क्या क्या ये योजनाएं क्या क्या फ़ायदा देंगी, क्या बेनिफिट्स देंगी, और उस बारे में हम इनको बता रहे हैं। इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया अपने विकास क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत ही काम करवाए इन लोगों ने, कईयों के राशन कार्ड, हिम केयर कार्ड, BPL का, मतलब जो भी इनसे बन पड़ा है इन्होंने सब करवाए, रास्ते वगैरह, मतलब पूरी योजनाएं इन्होंने सभी गाँव वासियों को प्रोवाइड की, सारे काम करवाए इन्होंने। और ये बहुत ही अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं,
और इनका बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है। बगवाड़ा के दुकानदार सुखदेव सिंह, पुरुषोत्तम रमेश चंद चंदेल ने कहा कि वे पंचायत के द्वारा करवाए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत ने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किए हैं और बगवाड़ा पंचायत का विकास किया है जो इससे पहले किसी पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत द्वारा रास्ते बनाए गए हैं, सड़क के किनारे बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं और इसके साथ ही पानी को स्टोर करने के लिए टैंकों का निर्माण करवाया गया है। विकासात्मक कार्य तो चले भी हैं और हो भी रहे हैं, कुछ हुए भी हैं। अभी जैसे ये सड़क पक्की की समरेड़ा में एक सड़क का काम चला है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी वहाँ भी काम चला हुआ है। अभी ऊपर की तरफ सड़क बनी है, इसमें वो पेपर ब्लॉक का काम चलने वाला है, उसकी भी इनकी योजना चल रही है। बाकी नरेगा के काम चले हैं 5-6 के। रोड को लेके वैसे मैं तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ कोई समस्या नहीं है, परंतु कुछ क्षेत्र की जैसे ऊपर वो बौन का क्षेत्र है ना जी, बगवाड़ा पंचायत से रिलेटेड है, उसके लिए थोड़ी सड़क मार्ग जो है वो बरसात के दिनों में भी अवरुद्ध हो जाता है ना, उस दृष्टि से उन लोगों को थोड़ी समस्या है। संतुष्ट हूँ जिससे, बहुत काम किए। अगर मैं बात करूँ इस सड़क की तो ये अभी अभी पक्की हुई, और बात करूँ सोलर लाइट की तो जगह जगह पर लग गई। ये पास सामने हमारा ये बन गया जो सोसाइटी है, लोगों को बैठने के लिए रेन शेल्टर बन गया। गांव में वाटर टैंक जो कि इस इलाके की बड़ी सख्त जरूरत है, तो काफ़ी संख्या में बन गए। इसके साथ साथ जो भूमि सुधार है वो भी काफ़ी काम हुआ जी। हम पूर्णतः संतुष्ट हैं और काफ़ी काम हो रहे हैं जी। समस्या तो छोटी मोटी समस्याएं वो तो चलती रहेंगी। रोड की समस्या हमारी है, छोटी सी है, परंतु वो वहाँ भी काम चला है। हमारे गांव की बात है, गांव डबो में, तो वहाँ थोड़ा सा शहीद संपर्क मार्ग है, उसका काम अभी चला हुआ है और शायद वो भी अभी पूरा होने वाला है, हो जाएगा जी। संतुष्ट है और क्या, वो रोड इन रास्ते बनाए, कोई डंगे चढ़ाए और एक रोड बनाया उपरा स्कूल वास्ते, ऐसे हुआ कोई रास्ते बने जैसे अपने पक्के रहे, उसमें टाइल वगैरह लगाई रास्तों के बीच में, भूमि सुधार के काम हुए। उसके अलावा अपना पानी की जो समस्या थी उसके लिए बोड़ियों में अपना खाती वगैरह जो है बनाई हैं। उससे बाद हल्का सा यहाँ पे अपना एक छोटा सा वो बनाया बैठने के लिए, जनसभा करने के लिए हैं। यानी काम जो है पंचायत में ठीक ही हुए हैं। विधि चंद ने कहा कि बगवाड़ा पंचायत में प्रधान द्वारा अच्छे कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बगवाड़ा से अवादेवी को जाने वाली सड़क की स्थिति काफी खराब है, जिसे पंचायत के सहयोग से ठीक करवाया जा सकता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द इस सड़क का काम पूरा करवाया जाए। कार्य तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सड़क है ना, ये इसकी बहुत खस्ता खराब है जी, ये बगवाड़ा से जाती है, तो इस करके इसका जरा ख्याल होना चाहिए। बाकी पंचायत का काम तो ठीक चल रहा है, अच्छा प्रधान ने जो अच्छा काम किया है और पूरी मेहनत और लगन से कर रहा है, लेकिन जो है ये सड़कें जो है तो सरकार के काम है। बाकी ठीक है, बिजली पानी सब ठीक है सर। इतनी पंचायत ने पहले किसी ने नहीं किया, जो हो रहा चारों तरफ क्या क्या कार्य किए हैं, रास्ते सड़कें जो भी काम है मतलब सब कंप्लीट किया हुआ उन्होंने। देखिए सर, विकास कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो पहले बात ये आती है कि सच में ही अगर पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आते हैं, पंचायत स्तर के ऊपर अगर काम करना शुरू करते हैं तो लाभ निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। तो अगर हम अपनी पंचायत के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्तर के ऊपर कार्य हुए हैं। अगर सामुदायिक भवन की बात की जाए, रास्तों की बात की जाए, या जो टैंक बनाए जा रहे हैं पानी के लिए, सदुपयोग के लिए, स्टोरेज के लिए, अगर उनकी बात की जाए, लाइटों की बात की जाए, तो सच में ही पंचायत ने जो है वो अच्छे स्तर के ऊपर कार्य किया है।
तो इसमें मैं धन्यवाद भी देता हूँ हमारे पंचायत के जो प्रधान हैं और बाकी सभी प्रतिनिधि, पंचायत उप प्रधान और जितने भी बाकी प्रतिनिधि हैं, सबको हम इस चीज़ का श्रेय देना चाहते हैं कि अच्छा कार्य इसमें हुआ है हमारी पंचायत में, और आगे भी अच्छी पंचायतें आती रहें, अच्छे लोग आते रहें, पढ़े लिखे लोग समाज में आए, कार्य करें, तो निश्चित रूप से समाज को इस चीज़ का लाभ मिलता है। वहीं दुकानदार बिहारी लाल ने कहा कि पंचायत द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं वे चरणबद्ध तरीके से नहीं करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बगवाड़ा गांव की सबसे बड़ी समस्या बगवाड़ा से अबादेवी की सड़क की है, जिसकी हालत बहुत खराब है, जिसके कारण दो पहिया वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुष्ट तो है लेकिन जो मतलब कार्य होते है ना वो चरणबद्ध तरीके से नहीं हो रहे हैं। वैसे तो अच्छा है जो कुछ हुआ टोटल मिलाकर ठीक है। एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है रोड बगवाड़ा से वा देवी, उसकी हालत सबसे खतरनाक है। मतलब टू व्हीकल वाले जितने भी हैं सब परेशानी में आ रहे हैं। बाकी पंचायत के काम लगभग ठीक हो रहे हैं, अच्छे काम हुए। आगे सर आगे भी प्रधान के द्वारा MLA तक बात गई है, अभी पता नहीं प्रधान को पता होगा कि इसके बारे में क्या जवाब दिया और क्यों नहीं हो रहा है।